हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद एसएम। आज हम बनाएंगे खबसा। ये ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में बनाई जाती है और बहुत मज़े की होती है। कि आप बनाइएगा ज़रूर, एक यूनिक सा टेस्ट आता है। लेकिन खबसे के साथ में उसकी चटनी बहुत ज़रूरी है, जो हम जिसको भी हमने अपनी रेसिपी में शामिल किया है। तो आप खबसा और उसकी चटनी बनाएं और मज़े करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो खबसे के लिए हम सबसे पहले उसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिए 2 टेबल स्पून धनिया है खड़ी, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और ये 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून सौंफ है, 2 स्टार आइंस है, और ये 8 हरी इलायची है और 8 लौंग है। अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छे से धीमे धीमे आंच में इसको जब हम भून लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अगर आपको खबसा वैसे स्पाइसी नहीं होता, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अपने हिसाब से मिर्ची मिला के भी रख सकती हैं, और हम इसको ग्राइंड करेंगे। मसाला हमारा रेडी है। ये समझे कि 1 केजी राइस में ये 2 टेबल स्पून के भर भर के 2 टेबल स्पून आपको डालना है। तेल हमारा हो चुका है, हमने 1 टेबल स्पून तेल डाला है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज की प्याज डालेंगे। ये हमारे प्याज देखिए इतने हो गए, बस इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हमने 2 ये तेजपात के पत्ते डाल देंगे, और उसके बाद फिर सब चलाएंगे, और फिर ये हम अपने गाजर डाल देंगे। ये 1 गाजर की बिग साइज की जो हमने सब्जी क्रश कर लिया है। अब इसी में हम अपना अच्छा मसाला डालेंगे 2 चम्मच, और इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। और ये हमने किशमिश ली है, तकरीबन 1 मुट्ठी के आसपास किशमिश है, ये किशमिश हम इसमें डाल देंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे, और ये ड्राई लेमन है। हालांकि ड्राई लेमन ब्लैक होता है, लेकिन हमारे पास फिलहाल यही था, ये ड्राई लेमन जाएगा। ये चिकन स्टॉक है, मैगी का आता है। आप इसके जगह पे चिकन यखनी का भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास यखनी नहीं है बन पाई है, तो हम ये चिकन स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। ये 2 क्यूब हम डालेंगे। अब पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें आपने चावल ऐड कर देंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। हमने पानी डाल दिया है, अब ये हम पकने तक, इसको उबाल आने तक पकाएंगे तेज आंच पे, नहीं तो फिर धीमा कर देंगे। और इसमें नमक डालेंगे, हम 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे चिकन स्टॉक में भी अच्छा खासा नमक होता है। और ये चावल वो है, हमने वैसे ये हमने ब्राउन राइस लिए थे, इसको हमने तकरीबन 5-6 घंटे पहले भिगो दिए थे। इसमें बासमती राइस इतना अच्छा नहीं होता खबसे के लिए, जितना अच्छा सेला राइस होता है। अब इसको हम देखें, हमारा पकना शुरू हो गया है। इसको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। इसको हम इसका पानी सूखने तक पकाइए। पानी के बबल्स आने एकदम खत्म हो गए हैं। अब इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। अब हम बनाते हैं खबसे की चटनी, जिसके लिए हमने 5 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। मेरे पास छोटे टमाटर थे, तो इसलिए हमने 5 ले लिए हैं, आप 4 भी ले सकती हैं। और ये 8 हरी मिर्ची हैं, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं, वरना ये चटनी वैसे कड़वी नहीं होती है, स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन हम एशियन टेस्ट थोड़ा सा दे देंगे, स्पाइसी कर देंगे। और ये 6-7 गार्लिक क्लोव्स हैं, थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, और 1 प्याज है। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये हमने जो है मिर्ची टमाटो, और इसको हल्के से चूल्हे के ऊपर दिखा के रोस्ट कर दिया है। वैसे ये सादी बनती है, लेकिन ये हमने अपना टेक्सचर दिया है, हमें भुने हुए पसंद है।
एक चीज़ और ये कि आप ये मिक्सी में बनाएंगी तो उतनी परफेक्ट ना कलर आएगा और एक अजीब सा वाइट वाइट टेस्ट आएगा और झाग आएगा। तो हम इसको, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको चॉपर में बनाएं, चाहे आपके पास हैंड चॉपर हो चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर हो। तो हम चॉपर में बनाएंगे, अगर चॉपर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक जाएगा। अब इसको हम चॉप करेंगे। हमारे खबसे की चटनी रेडी है। अगर आप इसको अपने मसालों को बिना रोस्ट किए हुए बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लाल कलर आएगा, लेकिन हमने इसको जाहिर सी बात है रोस्ट किया है तो थोड़ा सा ब्लैकिश रेड है। देखिए हमारा खबसा और चटनी दोनों रेडी है। यकीन जाने बहुत मज़े की बनी है। जो लोग सऊदीया से इंडिया मूव कर चुके हैं और उन्हें खबसे की याद आ रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर उनको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।